नमस्कार। ग्लोबल मास्टर हिप्नोटिज्म एंड मैग्नेटिज्म हीलिंग एकेडमी की ओर से मैं के हिलर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हीलिंग हीलिंग ये शब्द आपने सुना है, आपने कई कोर्सेस भी किए होंगे शायद। तो हीलिंग में होता क्या है? हीलिंग एक प्रकार की स्पर्श चिकित्सा है। दो प्रकार की वास्तव में हीलिंग है, एक स्पर्श चिकित्सा द्वारा और एक है डिस्टेंस से। तो जो डिस्टेंस से किया जाता है उसका भी अनुभव उस सामने वाले व्यक्ति को होता है, और जो फिजिकली किया जाता है उसका भी अनुभव उस व्यक्ति को होता है। लेकिन हमारा हीलिंग कितना पावरफुल है, कितना जबरदस्त है, हमारी इंटेंशन कितनी पावरफुल है, हमारे हाथों से जो वेव्स निकलने वाली है हीलिंग की, वो कितनी जबरदस्त निकलती है, ये देखने का एक पैमाना है। जब भी आप किसी को फिजिकली हीलिंग करोगे तो इस चीज को आप जरूर नोट कीजिएगा कि जब आप हीलिंग कर रहे हो उस वक्त उस व्यक्ति को क्या महसूस हो रहा है। क्योंकि देखिए, उसको महसूस होना जरूरी है। यदि उसको कुछ महसूस ही नहीं होता है और आप कहते हो कि हाँ हीलिंग हो रहा है, तो आपका हीलिंग बराबर नहीं हो रहा है। मैग्नेटिज्म एंड मेस्मरिज्म में आपको मैं हीलिंग सिखाता हूं, हीलिंग किस तरह से करना चाहिए। यदि आप प्रॉपर वे से, प्रॉपर तरीके से अगर मैग्नेटिज्म मिसमरिज्म सीखते हो तो आप सही में अच्छी हीलिंग कर सकते हो। इसलिए इस चीज को, इसका जो प्रॉपर वे है उस वे से जाना जरूरी है। आप एक क्लिप देख रहे हो कि मैं जो हीलिंग कर रहा था, ये एक्चुअली मेरे क्लास का एक वीडियो है जो मैंने क्लास लिया था, और ये मेरा पुराना वीडियो है। तो उस वक्त मैंने जो हमारी जो स्टूडेंट थी उसको जो हमने हीलिंग किया, तो उस हीलिंग का इफेक्ट कितना हुआ ये आप इस क्लिप में देख सकते हो, और इस वीडियो के अंत में ये क्लिप आपको दिखाई देगी। वास्तव में ये क्लिप यूट्यूब पे मौजूद है, लेकिन फिर भी यदि आपसे अगर वो छूट गई है तो आप इसे इस वीडियो के अंत में देख सकते हो। तो वहां आप देखोगे कि मैं बिना छुए, बिना हाथ लगाए दूर से ही हीलिंग कर रहा हूं। जब हीलिंग कर रहा हूं तो वो जो एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी सामने वाले को महसूस हो रही है। अब ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोगों को इतनी महसूस नहीं होती है जितना इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन महसूस होता है और वो काम करता है। अब यहां महसूस होना ये इंपॉर्टेंट नहीं भी है और है भी। अब आप कहोगे कि सर आप एक बार बोलते हो है भी और एक बार बोलते हो नहीं भी, तो ये इसलिए है कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन यदि आप इसके पूर्व किसी को आपने हीलिंग किया है और वहां पर ये जो पैमाना मैंने आपको कहा, ये सारे पैमाने आपने टेस्ट कर लिए हैं, और उसके बाद अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है और उसे आप करते हो और उसे इतना महसूस नहीं होता है, लेकिन उसको महसूस होता है, कुछ ना कुछ उसे महसूस होता है। ऐसा होता ही नहीं है कि उसे महसूस नहीं होता, लेकिन वो उस वक्त महसूस होता है जब आप सक्षम हो तब। तो समझ लो कि एक कोई सब्जेक्ट है और उसको इतना महसूस नहीं हो रहा जितना मेरे इस वीडियो में हो रहा है, आप देख रहे हो, तो उस वक्त आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि आपने इसके पूर्व इस प्रकार का हीलिंग किया होता है। तो एनर्जी अपना काम करती है, एनर्जी निगेटिव या पॉजिटिव होती नहीं है, एनर्जी न्यूट्रल होती है। उसे निगेटिव या पॉजिटिव बनाना यह हमारे हाथ में होता है, हमारे इंटेंशन में होता है, हम किस तरह से उसको आह्वान करते हैं उस पर होता है। मैग्नेटिज्म मेस्मरिज्म में भी जो एनर्जी कॉल करते हैं वहां पर भी वही इफेक्ट होता है, लेकिन उसका एक प्रॉपर वे है। प्रॉपर वे से अगर करते हो तो ही चीजें होती है, वरना मैग्नेटिज्म मेस्मरिज्म सीखकर कुछ फायदा नहीं होता। अगर आप सही ढंग से उसको सीखते हो, मैग्नेटिज्म मेस्मरिज्म सीखकर भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर वे, प्रॉपर तरीका होना बहुत अनिवार्य है। यदि आपको हिप्नोटिज्म, मैग्नेटिज्म, मेस्मरिज्म सीखना है तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हो, और यदि आपके मन में कोई शंका है, कुछ कुशंका है, या आप कुछ सवाल करना चाहते हो, तो आप मुझे बेझिझक कॉल कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास जरूर करूंगा। तो आइए वो क्लिप को पूरा देखते हैं
और उसको आप पूरे बारकाई से देखिएगा, कहीं पर भी उसे हाथ नहीं लगाया है, केवल दूर से ही किया है। तो ये होती है एनर्जी और ये होती है पावर। तो इस तरह की अगर पावर कोई करता है और होता है उससे, तो सही में उसके पास पावर है। आइए देखते हैं इस पूरी क्लिप को। धन्यवाद।